हमारे प्रदेश के 14 ऐसे व्यापारी हैं जो शहीद हुए, उसमें 26 मई 1979 को हमारे लखनऊ के युवा व्यापारी श्री हरिचंद अग्रवाल थे जो बिक्री करके सर्वे के विरोध में शहीद हुए। उसके बाद शासन ने हमेशा के लिए बिक्री करके सर्वे बंद कर दिए। श्री हरिशंकर अग्रवाल, श्री नित्यानंद कौशिक, ये हमारे बुलंदशहर के थे, ये भी शहीद हुए। श्री अशोक कुमार खंडेलवाल पट्टी वाले, शिव सिंह पट्टी वाले, ये अतिक्रमण अभियान के में शहीद हुए और वहाँ पर व्यापार मंडल ने उनके बीच शहर में प्रतिमा बनवाई और श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसी प्रकार मुन्ना मराठा मराठा के श्री अशोक मुक्तिगंज जौनपुर जी के, श्री कमल जैन गाजियाबाद जी के, श्री रमेश बिंदल कासगंज के, श्री अजय गुप्ता लक्षर हरिद्वार के, श्री अमित गुप्ता के, श्री राकेश पवार मुजफ्फरनगर के, श्री गोपाल पौदार संत कबीर नगर। ऐसे हमारे ये विभिन्न व्यापारी पुलिस की लाठियों की और गोलों की परवाह न करते हुए शहीद हो गए। हम ऐसे शहीद व्यापारियों के लिए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जय भारत, जय व्यापारी, जय व्यापार, जय व्यापार मंडल। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान संघर्ष समन्वय समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान को सम्मान दो, सम्मान दो, सम्मान दो। किसान को मान दो, मान दो, मान दो। हमें गर्व है कि हम किसान हैं, हमें गर्व है कि हम किसान, हमें गर्व है कि हम किसान हैं, हमें गर्व है कि हम किसान हैं। साथियों, आज हम यहाँ कस्बा सिवारा किसान सभा की तरफ से जो हमारी 238 किसान संगठनों की समन्वय समिति बनी हुई है उसके आह्वान पर आज किसान सभा की तरफ से यहाँ हम मांग दिवस के रूप में अपना मांग पत्र प्रधानमंत्री को और मुख्यमंत्री को प्रेषित कर रहे हैं। हमारी मांगें आम तरीके से वो हैं जो तमाम मेहनतकशों के लिए हैं। लॉकडाउन में हालत बद से बदतर मेहनतकशों की हो गई है। किसान ने जान हथेली पर रखकर पूरे देश को लॉकडाउन के माहौल में भी दूध दिया, दही पहुंचाई, सब्जियां पहुंचाई, अनाज पहुंचाया, दालें पहुंचाई, सब कुछ खाने पीने का सामान दिया, लेकिन किसान को क्या मिला? किसान को अपनी फसलों के उचित दाम नहीं मिल रहे हैं, सब्जियों के उचित दाम नहीं मिल रहे हैं और किसान को फसलों के दाम नहीं मिल रहे हैं। हमारी मांग है और ये पूरे हिंदुस्तान के लोगों की मांग है कि हर एक आदमी के जो आयकर नहीं देता है, इनकम टैक्स नहीं देता है, 7,500 रुपये उनके खातों में डाले जाएँ और जो किसान हैं उनको